हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब तो लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप तुर्की का वीजा ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि तुर्की का वीजा आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो, लाइव ग्रुप के साथ बताया था। उसी तरह मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा आपको कि तुर्की का वीजा ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो, लाइव ग्रुप के साथ मैं दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे दो बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पहले भी पे। यहाँ पे आप कोई भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लीजिए, जैसे मैं मोजिला का फॉक्स में टैब ओपन किया हूँ, और मैं यहाँ गूगल ओपन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से आपका लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ visa.gov.tr। tr का मतलब होता है तुर्की, ये मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया था। और फिर ये देखिए, यहाँ सारा इंफॉर्मेशन आ गया, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। यहाँ से आप दिया फर्स्ट नंबर पे अप्लाई वीजा, दूसरे नंबर पे पेमेंट दिया, तीसरे नंबर पे डाउनलोड, यानी डाउनलोड करके ये वीजा आप ले सकते हैं। और कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ ऊपर वाले वीजा यहाँ से क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वीजा के बारे में। फिलहाल अब मैं दिखा रहा हूँ आपको वीजा कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपका लोकेशन पहले मांगेगा, तो आप जहाँ के भी हों वहाँ का लोकेशन डाल लीजिएगा। जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया का डाल रहा हूँ, आप पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ के हो वहाँ का डालिएगा। तो दोस्तों, ये हो गया लोकेशन डालिए। आप पासपोर्ट टाइप भी जो है ट्रेवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट टाइप, तो आप पासपोर्ट टाइप नॉर्मल टाइप में सबका ऑर्डिनरी बनता है तो ऑर्डिनरी डाल दीजिएगा। फिर कैप्चर कोड डालिएगा यहाँ, तो कैप्चर कोड ध्यान से डालिएगा, जो चेक जाओ उसी तरह का कैप्चर कोड डालिएगा। फिर जहाँ स्मॉल में हो स्मॉल डालिए, जहाँ कैप्चर हो कैप्चर डालिएगा। मैं यहाँ कैप्चर कोड भर लिया, अब सेफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यहाँ आ गया, यहाँ आपका ट्रेवल्स डेट बोला कौन से डेट में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप ट्रेवल्स डेट चुन लीजिए, तो मैं लाइव डेमो के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया, डेट बता रहा है 28 फरवरी से लेकर 26 अगस्त तक। तो ये 180 दिन का वीजा आपका इशू होगा। पर दोस्तों ध्यान रहे, आपको 30 दिन यानी 30 डे दिया, यानी 30 दिन के अंदर आपको जाके वापस आना है। और भी यहाँ वीजा का फीस लिखा है $43, और यहाँ पे नीचे लिखा है कौन कौन सा काम एक्सेप्ट करना है, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जब कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ फॉर्मेलिटी दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी पढ़ के नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने पढ़ के टिक लगा दिया, अगर आप एग्री होंगे तो टिक लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ टिक लगाता देता हूँ सब जगह, और फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ जैसे कंटिन्यू करेंगे आप वैसे नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे डिटेल भरना है, तो जल्दी जल्दी मैं डिटेल यहाँ भर लेता हूँ। तो यहाँ पे गिफ्ट नेम में दिया है तो मैं नाम डाल लेता हूँ अपना। फिर यहाँ पे लास्ट नेम आपको भरना है, लास्ट नेम भर लिया मैं। आप यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपना भर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मैं वैसे लाइव डेमो के लिए आपको बता दे रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये मैं डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ पे आपका जन्म हुआ। तो मेरा उत्तर इंडिया में उत्तर प्रदेश में हुआ, तो मैं बोल लेता हूँ आपका जहाँ पे हुआ होगा आप वहाँ भर लीजिएगा। फिर मदर नेम फादर नेम मदर नेम फादर नेम ये सब मांगेगा, तो मैं भर लेता हूँ। आप सही सही ओरिजिनल एकदम डालिएगा, सही सही पढ़ के ध्यान से, मैं तो वैसे लाइव डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर पासपोर्ट नंबर मांगना, पासपोर्ट नंबर डाल लीजिएगा, मैं यहाँ पासपोर्ट नंबर डाल दे रहा हूँ, डेट ऑफ इशू डाल दे रहा हूँ पासपोर्ट का। आप एकदम सही सही डालिएगा, मैं डेमो के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए केवल कि इस टाइप का आपका पासपोर्ट भराएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट का इशू डेट है, फिर पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है। आप यहाँ पे पूछ रहा है पेमेंट किस टाइप से करेंगे, वीजा वाले कार्ड से कि रेसिडेंट परमिट से। तो सबके पास खासकर वीजा वाला कार्ड होता है, तो वीजा डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम डालिएगा, और उसके बाद सीधे आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, तो जो कार्ड से डालेंगे आप उसका नंबर यहाँ डालिएगा। नंबर डालने के बाद नंबर यहाँ डाल लीजिएगा, तो मैं डाल लेता हूँ कुछ भी आप सही डालिएगा। फिर यहाँ पे एक्सपायरी मांग रहा है, तो कार्ड का एक्सपायरी क्या होगा, तो यहाँ एक्सपायरी डाल लीजिएगा। फिर ईमेल आईडी आपका, जो ईमेल आईडी आपका लॉगिन होगा
सही होगा वही ईमेल आईडी डालिएगा आप। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। मैं यहाँ ईमेल आईडी हो गया उसके फिर मोबाइल नंबर मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस, करेंट एड्रेस डालिएगा जहाँ पे आप अभी इस समय रह रहे हैं। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा नोटिस, वो पढ़ लीजिएगा उसके सब। यहाँ राइट का निशान जैसे लग जाएगा वैसे आप सेफ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सारा आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। अगर आपको कुछ लगता है गलती है तो यहाँ पे आप नीचे एडिट जो दिया यहाँ एडिट करके आप चले जाइएगा, नहीं तो सब सही होगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा। और अगर सब सही होगा तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे वैसे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आप वहाँ पे जैसे आप सब वेरीफाई कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट के लिए। तो पेमेंट करना तो सबको मालूम ही होगा, कार्ड नंबर होल्डर नेम ये सब डाल के आप पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट करेंगे उसे वीजा डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देगा, तो आप डाउनलोड करके उसको एयरपोर्ट लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया आपको तुर्की वीजा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, लाइव डेमो भी करके आपको दिखा दिया। और हाँ एक बात और, जब तुर्की वीजा अप्लाई करेंगे और पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आपको जुड़ा नीचे साइट मिलेगा वीजा डाउनलोड करने के लिए, तो आप उसको जिसको डाउनलोड करेंगे वही आप लेकर एयरपोर्ट जाएंगे, वही आपका असली वीजा होगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, आई होप आप लोग को ये सब जानकारी समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय।